हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप देख ही सकते हैं, अपने सामने खड़ी है जावा बॉवर 42। ये इसके सेगमेंट की सबसे बेहतरीन गाड़ी है जो मुझे लगती है। और अब तो जावा वालों ने इसमें एक नया कलर लॉन्च कर दिया है जो अपने सामने खड़ा है, ब्लैक मिरर। तो ये इसके सेगमेंट में एक लौती है ब्लैक मिरर करके कलर आया है। तो आज मैं आपको इसके बारे में डिटेल रिव्यू दूंगा, इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप लोगों से बातें करूंगा। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए, बस तो बने रहें। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये वन एंड ओनली डीलरशिप है जावा और ESD का भोपाल में। तो अगर आपको कोई भी जावा या ESD की गाड़ी परचेस करना हो तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। इसका एड्रेस आपको डिजिटली यहाँ पे शो हो रहा होगा। और आपको इसकी डिटेल जानना हो तो आप यहाँ फ़ोन नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आप यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पर आके आप जावा या जो भी ESD की गाड़ी है यहाँ आके आप आराम से परचेस कर सकते हैं। इसके फ्रंट टायर साइज़ की बात करें तो फ्रंट टायर साइज़ जो इसका 190 का दिया गया है। इसके पीछे की टायर साइज़ की बात करें तो आपको पीछे का जो टायर है C8 का मिलेगा और 140/70R17 का देखने को मिल जाता है। कैलिपर की बात करें तो यहाँ पे आपको बाई बार के कैलिपर देखने को मिल जाते हैं, आगे भी और पीछे भी। डिस्क साइज़ की बात करें तो फ्रंट में आपको इसमें 280mm डिस्क साइज़ देखने को मिलता है और पीछे की बात करें तो 240mm पीछे का डिस्क साइज़ है। इसके अलॉय की डिज़ाइन की बात करें तो अलॉय का डिज़ाइन जो है बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्यारा लगता है। इसमें आपको जो है स्पोक व्हील्स का भी वेरिएंट देखने को मिल जाता है। आपकी पसंद है, आपको कौन सा चाहिए। यहाँ पे आपको क्लासिक लेजेंड 42 की बैजिंग मिल जाएगी, आगे भी और पीछे भी। और टायर की बात करें तो यहाँ पे आपको C8 का टायर प्रोवाइड किया गया है, ट्यूबलेस है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इधर पे आ जाए तो आपको भले ही यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, पर वो इतने अच्छे से प्लेस्ड हैं कि आपको यहाँ पे फील ही नहीं आएगा कि ये टेलीस्कोपिक है। आपको फील ऐसा करेंगे कि यहाँ पे आपको USD फॉक्स सस्पेंशन ही देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ही प्रोवाइड किए गए हैं। बाकी सस्पेंशन की क्वालिटी बहुत अच्छी है, आपको मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी। सस्पेंशन की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मोनोस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट लुक पे आ जाए तो मेरे हिसाब से जो इसके प्राइस रेंज में इसके जो बेस्ट सेगमेंट का लुक्स की बात करें तो मुझे सबसे अच्छा लुक इसी का लगता है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं जो इसका हैंडल बार पोजिशन है और इसका हेडलाइट सेटअप है वो बहुत परफेक्टली प्लेस्ड है और बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो अब इसके हेडलाइट सेटअप पे आ जाएं तो ये फुल्ली LED सेटअप के साथ आती है, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो है इसका एक्सेसरी फॉर्म में, पर आप ये ज़रूर लगवाएं, बहुत खूबसूरत लग रहा है देखने में। और इसका यहाँ पे 42 का साइन यहाँ पे आपको हेडलाइट में दिखेगा। यहाँ पे हाई बीम और लोअर बीम प्लेस्ड है और यहीं पे आप देख सकते हैं हैजार्ड लाइट जल रही है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि हैजार्ड लाइट भी दी गई है, तो ये भी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है इसका। अब यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे आपको इसका नंबर प्लेट की सेटअप देखने को मिल जाता है। पीछे की डिज़ाइन में आ जाए तो मैंने जैसा आपको बताया था फुल्ली LED सेटअप के साथ आता है, तो आप देख ही सकते हैं इसकी हैजार्ड लाइट जलती हुई कितनी अच्छी लग रही है। बस आपको यहाँ पे जो है हेलोजन देखने को मिल जाएगा, बाकी इतना ही तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट पोजिशन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बैक रिफ्लेक्टर दिया गया है और आगे के साइड जो है मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका साइड रिफ्लेक्टर देखने को प्लेस्ड किया गया है। बाकी बैक लुक ओवरऑल जो है इसका बहुत प्यारा आता है, बहुत क्लासी फील देता है, बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। मीटर कंसोल की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी चाबी यहाँ से चालू होती है। मैं अगर चाबी और बता देता हूँ तो आप देख सकते हैं चाबी जो है जावा की एक बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट से आती है, बहुत यूनिक डिज़ाइन है इसकी और बहुत खूबसूरत लगती है देखने में। अब अपन इसको यहाँ लगाते हैं और इसके मीटर कंसोल पर आते हैं। अब आप देख ही सकते हैं गाड़ी अपने को हाई बोलेगी, फिर मीटर कुछ इस तरीके से चालू होगा। फिर आप देख सकते हैं ये इसके सेगमेंट में एक बहुत अच्छी बात है कि क्रूज़ बाइक होने के बावजूद अब इसमें जो है फुल्ली डिजिटल मीटर आता है। बाकी रॉयल एनफील्ड में अगर इसके सेगमेंट की जो गाड़ियां हैं जो इसकी कीमत में आती हैं उसमें आपको अभी भी क्लासिक मीटर ही देखने को मिलता है, जो कि डिजिटल फॉर्म में नहीं है। अब इसके मीटर पर आ जाते हैं अपन, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पीड बताएगा, यहाँ पर RPM बताएगा, यहाँ पर ट्रिप भी बताएगा और ओडोमीटर भी यहीं पर बताएगा। और यहाँ साइड स्टैंड की बात करें तो साइड स्टैंड इंडिकेटर यहाँ पर आपको शो करेगा, थोड़ा मैं पास से बता देता हूँ। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात है, इसका गियर पोजिशनल इंडिकेटर भी दिया है, जो कि अभी तक बजाज भी अभी निकाला है, बल्कि इसमें भी आ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है क्रूज़ बाइक होने के बावजूद। अब इसके फ्यूल नेविगेशन की बात करें तो यहाँ पे फ्यूल नेविगेट करेगा और टाइम इसमें बहुत अच्छी बात है कि आपको टाइम भी शो करेगा। तो आप अगर गाड़ी क्रूज़ कर रहे हैं तो आपको बार बार घड़ी देखने की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। अब इस पर यहाँ पर जाते हैं ऊपर के साइड पर, तो यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, टेम्परेचर इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, ABS साइन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हैजार्ड लाइट का फीचर भी है, तो हैजार्ड लाइट भी जलते हुए आपको यहाँ शो कर सकता है। और यहाँ पे आपको इसका इंजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन साइन दिखेगा, यहाँ पे आपको फ्यूल नेविगेशन साइन दिखेगा और यहाँ पे इसका अलार्म साइन दिखेगा नोटिफिकेशन वगैरह के लिए, और यहाँ पे आपको न्यूट्रल साइन दिखेगा। तो यही कुछ इसकी मीटर की बातें थी, बहुत अच्छा मीटर इसमें दिया गया है।
मैं तो बहुत खुश हूँ इसका मीटर देख के और मुझे पसंद भी आया। फिर कमेंट करें कि आपको इसका मीटर कैसा लगा। इसके हैंडल की बात करें तो आपको सिंगल बार हैंडल प्लेस देखने को मिल जाएगा जो कि बहुत खूबसूरत और लंबा सा और खूबसूरत और बल्किनेस दिखाता है। अब हैंडल प्लेस पोजीशंस की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका जो है हैजार्ड लाइट पोजीशन बटन देखने को मिल जाता है। यहीं से आपको इसका पासिंग स्विच भी देखने को मिलेगा जिसे मैं आपको करके बता दूँ, देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये जो है मीटर सेटअप करने के लिए मोड सेट और ये एरो वगैरह दिए गए हैं। यहाँ पे आपको इंडिकेटर के लिए बटन दी गई है। ये हॉर्न है, हॉर्न भी इसका बहुत लाउड है। और इसकी ग्रिप की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जावा की बैजिंग मिलेगी और बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल भी है। और यहाँ पे आपको इग्निशन स्विच देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं हैजार्ड लाइट बटन देखने को मिल जाता है, बंद हो गया, फिर बंद हो गया और ये चालू इससे ही हो जाएगा। सेल्फ देखने को मिल जाता है, सेल्फ की बटन। यहाँ पे आपको स्लीपर असिस्ट क्लच भी देखने को मिलता है जो कि इसके सेगमेंट में एक और अच्छी बात है क्योंकि रॉयल एनफील्ड में अभी जो है स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता है, बाकी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और एक और अच्छी बात यहाँ पे मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको टाइप सी एंड टाइप ए जो है यूएसबी पोर्ट देखने को मिल जाता है, तो आपको चार्ज करने भी कोई रास्ते में दिक्कत नहीं आएगी। और एक और इसका प्लस पॉइंट है, इसके साइड मिरर्स की बात करें तो आपको इसमें बार एंड साइड मिरर देखने को मिल जाते हैं जो कि एडजस्टेबल भी हैं। ये भी मुझे बहुत अच्छी बात लगी। अगर आपको और कोई बाइक में होते हैं तो एक्सेसरीज फॉर्म में लेना पड़ता है, पर यहाँ पे आपको कंपनी खुद ही प्रोवाइड कर रही है। इसके साइड लुक्स पे आ जाएँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जावा की बैजिंग मिल जाएगी विद सम फ्लैग्स टाइप डिज़ाइन। और यहाँ पे आपको इसका जो है बढ़िया सा जावा का एक और बैजिंग देखने को मिल जाएगी विथ फुट रेस्ट कहना चाहिए इसको, पैड रेस्ट कहना चाहिए, हाँ पैड रेस्ट के साथ। अब साइड पे जाएं तो आप देख सकते हैं बहुत बल्कि सा डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे बॉबर 42 की बैजिंग देखने को मिल जाती है और एक ह्यूज एग्जॉस्ट देखने को आपको यहाँ मिल जाता है। उस साइड भी, इस साइड भी, ये डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आती है जो कि एक और इसका पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि इसके सेगमेंट में एक लौती है जिस साथ डुअल एग्जॉस्ट सिस्टम आता है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं इसका जो बैक टायर कितना बल्किनेस दिखा रहा है और शो कर रहा है। और जो है इसका साइड डिज़ाइन ओवरऑल जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा लगता है। जो भी इस गाड़ी को देखेगा वो इसको जरूर बार बार मुड़ मुड़ के जरूर देखेगा। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे आपको इंजन पे ओरिजिनल 1929 जावा की बैजिंग देखने को मिल जाती है जो कि इसके बारे में बताती है कि जावा कब से आ रही है। अब इसके टैंक के बारे में बात कर लें तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है और देख ही सकते हैं आपको लाइट रिफ्लेक्शन कितना अच्छे से आ रहा है और कितना खूबसूरतली प्लेस्ड किया गया है बॉबर का लिखा हुआ और रेडियम बग वगैरह इसमें बहुत प्यारे तरीके से किया गया है। और जैसा कि मैं आपको बताता हूँ जावा की गाड़ियों में जो इसका ये टैंक कैप्सूल जो है बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। यहाँ पे जावा की बैजिंग मिलती है और मोटरसाइकिल की बैजिंग मिलती है तो ये जो है इसका बहुत बल्किनेस शो करता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 12.5 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को इसमें मिल जाती है जो कि 28 से 30 तक का माइलेज शो करती है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो ये जो है 334 सीसी की गाड़ी है जो कि लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ आती है, 4 वोल्व सिंगल सिलेंडर में और 6 गेयर बॉक्स के साथ आती है जो प्रोड्यूस करती है 30 PS ऑफ पावर एंड 32 NM ऑफ टॉर्क। जो है 0 to 100 10 सेकंड्स के आसपास में कवर करती है और इसकी जो टॉप स्पीड है वो 130 किलोमीटर पर आर के आसपास है। इसके इंजन भी की बात करें तो बहुत अच्छा है जो कि पावर भी बहुत अच्छा जनरेट करता है जिसके कारण इसका माइलेज जरूर थोड़ा गिर जाता है, पर इसके सेगमेंट में आप देखें तो इतनी खूबसूरत बाइक आपको इस कीमत में मिल रही तो टेलीफोन मनी बाइक है गाइस। इसको आप अगर आप 2.5 लाख तक गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं कहूँगा कि ये गुड चॉइस है। डायमेंशंस की बात करें तो 2200 mm की जो इसकी लेंथ है, 189 mm की जो इसकी विड्थ है और 1165 mm की जो है इसकी हाइट है। व्हील बेस की बात करें तो 1485 mm का जो है इसका व्हील बेस है। वेट की बात करें तो आपको 160 से 164 तक का जो है इसका कर्व वेट है। अब इसके सीट की बात कर लें तो आप देख ही सकते हैं जावा और सिंगल सीटर है, पर जो है सिंगल बंदा आप आराम से इसमें बहुत कंफर्टेबली बैठ सकता है। 250 किलोमीटर एक बैठक में आराम से जा सकता है, मुझे नहीं लगता उसको कोई भी प्रॉब्लम आएगी, कोई भी इशू आएगी फेस करना पड़ेगा या हिप्स वगैरह उसके दर्द करेंगे। बहुत अच्छा है, आप देख भी सकते हैं मेरी उंगली कितना आराम से लग रही है और लेदर फिनिश में आती है, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट और सुना देता हूँ। गाड़ी को चालू करने के लिए जो एक बार क्लच दबा के सेल्फ मारना पड़ता है, मैं आपको करके और बता देता हूँ। गाड़ी चालू हो गई है, एक बार इसका आप एग्जॉस्ट नोट और सुनिए। के कलर ऑप्शन की बात करें तो मुझे नहीं लगता इसको देखने के बाद कोई और बंदा इसके और कलर लेगा, बाकी मैं आपको डिजिटली शो कर देता हूँ। तो यही कुछ कलर ऑप्शन है जो जावा 42 बॉबर में आते हैं। आपको एक बार इसका 360 डिग्री लुक दे देता हूँ तो देख सकते हैं आप, फ्रंट से कुछ इस तरीके से आता है और साइड व्यू इसका कुछ इस तरीके से आएगा। बैक पे आ जाएं तो बैक मुझे इसका बहुत प्यारा लगा, फिर मैं कहूँगा बैक मुझे हमेशा इसका बहुत प्यारा लगता है। और ऊपर से आप देख ही सकते हैं बहुत प्यारा टैंक डिज़ाइन है जो रिफ्लेक्शन कितना बढ़िया दे रहा है। अब इसके प्राइस रेंज की बात करें तो जो ब्लैक मिरर एडिशन है उसका एक शोरूम प्राइस जो है वो 2,25,000 के आसपास है
और इसके ऑन रोड प्राइस की बात करें तो 2,57,000 के आसपास इसको आपका ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाएगा। यही कुछ बातें थी जावा 42 बॉबर के बारे में। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जिसका नया कलर आप लोगों को कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राइड हार्ड, राइड से, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।